तो जैन साथियों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, फाइनली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आ चुकी है BSF के रिगार्डिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स SCM एंड ASI। आपको पता है दोस्त, आपके जो एडमिट कार्ड है वो आज आ चुके हैं, मेरा भी आ गया है और मैंने डाउनलोड भी कर लिया है। उसको मैं दिखाऊँगा आप सबके सामने, प्रस्तुत करूँगा अपने एडमिट कार्ड को। आपको चेकआउट करना है अच्छे से, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगने वाले हैं, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या चाहिए, और आपका वहाँ पर रेस होगी या फिर नहीं होगी, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए आपको, स्टेट का फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है? और दोस्त, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, AMT एंड BSF दोनों में से एक दिन है, दोनों एक दिन है। मतलब गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स का AMD का और BSF का एक दिन आ गया है, मतलब 6 को और 7 को। तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, उसके लिए बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्त, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो गाइस देखिए, जो मेरा आज मेरे पास मैसेज आया है और जो आप देख पा रहे हो, डियर कैंडिडेट्स, प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर द फर्स्ट फेज एग्जाम। आपको पता है दोस्त, सबसे पहले आपका इसमें होने वाला है PST। सर, PST क्या होता है दोस्त? PST होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ओके, इसमें आपकी रेस नहीं होगी, ओनली आपका हाइट, चेस्ट, वेट मापा जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का, ठीक है? और जो भाई ये मैसेज देख रहे हो, आपको भी ये मैसेज प्राप्त हो गया होगा, सबके पास आ गया होगा, मेल फीमेल दोनों को आया होगा, मुझे पता है। और देखिए दोस्त, यहाँ पे इन्होंने लिखा है योर लॉगिन ID एट BSF वेबसाइट। आपको दोस्त BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने ईमेल ID पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे पर्सनली कमेंट कीजिएगा। दोस्त एक काम करिए, इंस्टाग्राम की ID मेरी है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, मुझसे पर्सनली आप बात कर लेना। या फिर गाइज एक काम करें, टेलीग्राम का हमारी पूरी बड़ी फैमिली है, 1K+ हो चुके हैं वहाँ पे कैंडिडेट्स, वहाँ पे मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, दोनों के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? देखिए दोस्त, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं आपको भाई दिखाता हूँ अपना एडमिट कार्ड। कि आप सोच रहे हो कि नहीं सर, हवा में तीर मार रहे हैं, तो ऐसा सीन नहीं है दोस्त यहाँ पे। तो देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैंने आज डाउनलोड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स SCM, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। देखिए दोस्त, जॉब बहुत अच्छी है ये, ठीक है? मेल फीमेल दोनों के लिए मस्त जॉब है। आपकी जो ड्यूटी है ओनली ऑफिस वर्क में ही रहेगी, ठीक है? सैलरी काफ़ी अच्छी है आपकी इसमें, और नेम ऑफ पोस्ट SC मिनिस्ट्रियल की है, आपको पता है। आपका यहाँ पे फ्रेंड्स रोल नंबर दिया गया है, कास्ट दी गई होगी, आपका नाम मिलेगा आपको, आपका एड्रेस मिलेगा। और मैं देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम, 5/1/2023 को मेरा पेपर है, 5 जनवरी को। यहाँ पे मेरा PST है, पेपर नहीं है, पेपर बाद में है। और जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम है वो है दोस्त 8 बजे का, ठीक है? और इन्होंने बोला है 8:30 से 6 बजे तक आप हमारे अंडर में रहोगे, ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा दिन वहाँ पे लगेगा। तो आप अपने फल फ्रूट से, सेब संतरा जो भी आप खाते हो ना, वो प्लीज़ बैग में डाल के लेके जाइएगा, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे आपका लगने वाला है अंदर, यूनिट के अंदर, ठीक है? और जो मेरा यहाँ पे सेंटर दिया गया है, सेक्टर हेडक्वार्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चिलोडा रोड, गांधीनगर, गुजरात में है दोस्त मेरा। बाकी आप जो देख पा रहे हो। अब दोस्त बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड। देखिए भाई, आपका जो एडमिट कार्ड है, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ, एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ये सब आप लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड प्लस में आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। आगे दोस्त बात करते हैं, इसमें आपको टाइम से पहुंच जाना है, सेकंड ऑप्शन में इन्होंने ये बोला है। और थर्ड में दोस्त इसने बोला है इसमें कि डैमेज इंजरी, अगर आप भर्ती के दौरान आपको बुखार या फिर आप इंजरी हो जाते हो, आपको कुछ ना कुछ, अगर आप घायल हो जाते हो, तो भाई BSF की कोई जानकारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं ये। तो पता नहीं यार, ये ऐसा से मतलब क्यों लिखते हैं ये सब, आई डोंट नो। इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यार, जब इनके अंडर में बंदे जा रहे हैं, यूनिट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यही संभालेंगे, और कौन संभालेगा वहाँ पर, कौन किसको जानता है यार, है ना? तो भाई अलग अलग रूल है यहाँ पर। गाइज देखिए, 5वें नंबर पर देखिएगा, यू शुड ब्रिंग विद यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट। भाई देखिए, मैं खुद भी BSF, CISF, ITBP के फिजिकल टेस्ट में बहुत बार गया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, साथ में आपको 2 या 3 कॉपी लेके जानी है 10th की मार्कशीट की, +2 की मार्कशीट ओरिजिनल, 2 या 3 कॉपी आपको एक्स्ट्रा में लेके जानी है, कॉपीज करवा के, और ओरिजिनल भी साथ में होनी चाहिए।
कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ध्यान दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा, स्टेट वाला वैलिड नहीं है। उसका फॉर्मेट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, टेंशन आप सब ना लें। आप अगर आप एक्सपर्ट नॉलेज चैनल पे आ गए हो तो सभी समस्या का समाधान यहाँ पे होता है, ठीक है। और भाई देखिए आगे इन्होंने लिखा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए ओबीसी, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ओबीसी एससी एसटी और नॉन क्रिमिनल ईयर आप सबको लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है, ठीक है। और एनओसी द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, आपको अगर आपने एनओसी लिया फॉर्म फिलअप करते टाइम तो आपको वो भी लेके जानी है, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ दिया है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए भाई, आपको दो फोटो लेके आना, दो या चार फोटो आप लेके जा सकते हो आराम से, लेकिन ये नहीं कि आपके फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुराने हो, आपको न्यू फोटो लेके जाने हैं, मतलब 6 महीने पुराने चल जाएंगे, लेकिन आपको नए मतलब 4-5 महीने तक के ही फ़ोटो लेके जाने। कहीं आप दिखा दो उनको 1995 का फ़ोटो, ये सब ना करिएगा, ठीक है। तो आपको अपना फ़ोटो अच्छे से क्लिक करवा के उनको दिखाना है। और फोटो देखिए, और मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया था वही लेके जाना है, कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास हो 6 महीना पुराना आप वहां पे जाके दिखा सकते हो। ओल्ड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके होने चाहिए, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एससी एसटी ओबीसी के लिए, और आपकी 10th+2 की मार्कशीट ओरिजिनल, ये सब डॉक्यूमेंट आपके वहां पे मांगे जाएंगे, एडमिट कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो मैंने आपको टोटली बता दिया है, बाकी फिर भी कुछ आपको डाउट लगे तो आप एक काम करें दोस्त, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ये चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे भाई बंधु अब की बार बीएसएम में भर्ती होना चाहते हैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भाई फॉर्मेट है एस सी एस टी का कास्ट सर्टिफिकेट का, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एस सी एस टी। देखिए दोस्त, यहाँ पे इसके ऊपर धाराएं लिखी होंगी, मतलब एक्ट लिखे होंगे, द कंस्टिट्यूट शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, तो भाई ये सब लिखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका ओरिजिनल है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, आपको ये बनवा लेना है। आपको फॉर्मेट फिलअप करके आपके गांव के सरपंच के साइन एंड स्टैम्प बनवाना है, एंड आपको फिर जाना है तहसीलदार के पास, वो इस पर स्टैम्प लगाएगा, अपने साइन करेगा, आपका बन के तैयार, 1 या 2 दिन का काम है, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आराम से बनवा लेना है। 2 साल से पुराना आपका ना हो, 20 का है, 21 का चल जाएगा, अगर आप लेके जाओगे 2016 का कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको रिजेक्टेड कर सकते हैं, तो आपका 2-3 साल तक हो चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करूँ भाई आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस देखिए, मेरा अभी एएमडी का भी आया है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे एएमडी का मेरा हैदराबाद आया है, ये दोस्त मेरा 7 तारीख को है, और आपका भी साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, आपका एएमडी का बीएसएफ का एक साथ आ गया होगा। तो देखिए दोस्त, आप खुद देख लीजिएगा आपको क्या करना है, आपको बॉर्डर पर रहना है या फिर आपको मतलब फील्ड वर्क में काम करना है, मतलब जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी है या फिर आपको 24 घंटे की ड्यूटी करनी है, वो आप अपने अनुसार सोच समझ के कीजिएगा, और आप मुझे भी राय दीजिए कि भाई मैं कौन से फिजिकल में जाऊँ, मैं एएमडी के लिए जाऊँ या फिर मैं बीएसएफ के लिए जाऊँ, आप प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम, कुछ भी डाउट हो आपका कमेंट कीजिएगा, चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम।